एक तरफ जहां पूरे प्रदेश और देश में कोरोना का कहर है, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को लॉकडाउन किया है। उसके मद्देनजर आम जनता का घरों से निकलना बंद करवाया गया है। रोजमर्रा की वस्तुएं भी निर्धारित समय पर मिलना शुरू हो गई हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हुई है जो रोज कमाते हैं और उसके बाद उनके घर पर चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों को इस बंद का असर ना पड़े, उनके परिवारों का पोषण हो, इसी कड़ी में सुजानपुर के दो युवाओं ने ऐसे लोगों के घरों तक रोजमर्रा की वस्तुएं पहुंचाने का कार्य किया है, ताकि उनका परिवार इस तरह के हालात में भी भोजन आदि ग्रहण कर सके। युवाओं में समाज सेवी धीरज गुप्ता, दिव्य हिमाचल मीडिया कर्मी गौरव जैन ने मोर्चा संभालते हुए गत वर्ष बारिश के बीच भी इन घरों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। प्रथम चरण में ऐसे परिवारों को 10 किलो आलू, 5 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर वितरित किए गए हैं। करीब 20 ऐसे परिवारों को ये सामग्री पहुंचाई गई है। रोजाना ऐसे परिवारों को सुविधा मिले जो इस बंद में भोजन आदि की व्यवस्था करने में भी असमर्थ हैं। समाज से भी धीरज गुप्ता ने बताया कि उनका उद्देश्य इस तरह का कार्य करके अपना प्रचार करना नहीं है, लेकिन उनका ये उद्देश्य है कि इस तरह का कार्य करके लोग इससे प्रेरणा लें और अपने निकटवर्ती ऐसे परिवारों को ढूंढें जो इस बंद के भोजन के लिए तड़फ रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ऐसे घरों तक जो भी हो सके राहत सामग्री पहुंचाएं, ताकि उनका परिवार इस आपत की घड़ी में भूखा ना रहे। एक और जहां पूरा देश और प्रदेश कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में उन लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो लोग घरों में हैं, दिन में कमाते हैं और उसके बाद उनके घर का चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों की सेवा के लिए हमने एक मुहिम चलाई है। उनके घर द्वार पर पहुंचकर कुछ राहत सामग्री जो हो सके उसे दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस तरह फोटो खिंचवाकर प्रचार करने का नहीं है, लेकिन अगर इस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे तो शायद इस तरह के कार्य से कुछ और लोग भी प्रभावित होंगे, जो अपने आस पड़ोस में ऐसे परिवारों को ढूंढेंगे जो आज भोजन इत्यादि के लिए भी तड़प रहे हैं। मेरा क्षेत्र के लोगों से और जहां जहां भी ये वीडियो जाएगी एक ही संदेश है कि अपने आस पड़ोस में उन लोगों को, उन परिवारों को सुविधा दें जो बेसहारा हैं, उनके घर पे आजीविका के कोई साधन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने भी जहां आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की सहायता करें, लेकिन तमाम कार्रवाई नियमों के तहत करें, धारा 144 और कर्फ्यू का भी पूरी तरह पालन करें। समय अनुसार 7 से 10 बजे तक घरों से निकलें, उसके बाद किसी भी तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा सकती है, उल्लंघन ना करें, पुलिस का सहयोग करें, घरों में रहें इत्यादि।